कहीं से ज्ञान लेना, सत्संग जाना, आध्यात्मिक लाइफ में गुरुओं का ज्ञान लेना, सेमिनार अटेंड करना, अलग अलग विद्याएं करना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हमारे आगे जीवन में क्या होने वाला है, हमारे बचपन में हमको ये तकलीफ थी उसको क्लीन करना, ये करना वो करना, सब कुछ करना, पर उसके बाद भी खुशी नहीं, आनंद नहीं, मज़ा नहीं, अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं सीखना चाहिए, करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए, करना चाहिए, पर कभी आपने सोचा है कि जो सीख लिया, कर लिया, उसका क्या? आपको अपने लिए आनंद चाहिए, अपने लिए खुशी चाहिए, अपने लिए घर, अपने लिए कार चाहिए, अपने सुधार के लिए, अपने मुक्ति के लिए साधन चाहिए, सिर्फ अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए, पूरे संसार के लिए? सर, आप अपने लिए जीने के लिए आए हैं। जब आप अपना आनंद अपने से दूर बाहर ढूंढेंगे, तब आपको असली आनंद पहुंचेगा। जब आप ज्ञान अपने अंदर ढूंढेंगे, तब आपको असली ज्ञान मिलेगा। हम केवल अपने लिए जीते हैं और अपने लिए मर जाते हैं। एक समय के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि समय की एक लिमिट है, समय बीतता जा रहा है। हम अभी 35 साल के हैं, 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, हमारे पास बहुत समय है। अरे, कल का किसी को नहीं पता है। तो जो मिल गया, जो पा लिया, उसका इस्तेमाल करो, उसमें आनंद दो। और जब हम आनंद दूसरों में ढूंढते हैं, अपने समाज में, अपने साथियों में, अपने आस पड़ोस के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी खुशी में खुशी देखते हैं, तो वो जो खुशी मिलती है वो असली आनंद है। जो आप अपने लिए जीने के लिए आनंद ढूंढते हो, जब आप वो दूसरों के प्यार में, दूसरों को मदद करके वो आनंद पाते हो, उस आनंद का मज़ा ही और है। करके देखिए, सिर्फ अपने लिए जीना तो जानवर भी जीते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए जिए जिनको हमारी ज़रूरत है। हमने मैसेज पढ़ लिया, हमने ज्ञान बटोर लिया, वो ज्ञान बांटिए बाहर, क्योंकि सड़ा हुआ, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। और केवल अंदर डालिए मत, डालिए मत, क्योंकि भर जाओगे, फिर तनाव में, परेशानियों में घिर जाओगे। इससे अच्छा जो मिलता जा रहा है उसको बांटते जाओ, जो मिल चुका है उसे भी बांटो। आनंद जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके